हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आप देख रहे हैं रुद्रा द K3। दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, खबर के मुताबिक एक औरत अपने पति से केवल इसलिए तलाक लेना चाहती है कि उसका पति जो है वो पैकेट का दूध घर में लेके आता है, बच्चों को भी वही पिलाता है और खुद भी वही पीता है और उसको भी वही पीना पड़ता है। लेकिन महिला का ये तर्क है, महिला का ये कहना है कि मोहल्ले में जो दूधिया आता है मैं उससे ही दूध लूँगी, वो दूध जो है प्योर भैंस का है। अब जिन दूधिया की वजह से ये मोहतरमा तलाक लेना चाहती है अपने पति से, एक बार उन दूधियाओं की सच्चाई देख लीजिए। देखिए कैसे ये दूध वाला खुलेआम अपनी कैन में ये दूध डाल रहा है, लेकिन दूध देखो कौन सा डाल रहा है, पैकेट वाला। क्या आपके दूध में है मिलावट? क्या आपको भी मिलता है मिलावट वाला दूध? क्या आपका भी दूध दिया है धोखेबाज? और आप जरा ये भी सोचिए कि हो सकता है दूध 40 रुपए किलो वाला हो और उसमें भी ये ऊपर से पानी इसमें ऐड करेगा, तो मतलब ये कितना बड़ा बिजनेसमैन है, क्योंकि ये 40 वाले दूध में पानी मिलाकर आपको 50-60 रुपए किलो का बेच रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इससे बड़ा बिजनेसमैन, इन दूधियाओं से बड़ा बिजनेसमैन इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये अंबानी अडानी से ये सब तो ऐसे ही है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो यही है। बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड इन्हीं को ही मिलना चाहिए, और किसी को तो मिले ही ना। जरा सोचिए अगर ये व्यक्ति खुलेआम इतनी जरूरत इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो एक भैंस के दूध में, जिसको आप भैंस का दूध मानते हो, उसमें मिलावट कर रहा है एक पैकेट वाले दूध की। हो सकता है कि वो अपने घर तो पानी में केमिकल मिला के ही आपको देता हो, हो सकता है कि वो रियल दूध भेजता ही ना हो, और ऐसे में मोहतरमा जी अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। ऐसे दूधियाओं के लिए मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, उनको चिट्ठी लिखूँगा कि इन दूधियाओं को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए, और अगर आपके मन में भी इनके लिए कुछ शब्द है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को अपने कुछ मित्रों को भेज देना, हो सकता है कि इन दूधियाओं तक भी पहुंच जाए जो इस तरह की मिलावट और हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।